लड़के ने बागेश्वर वाले पंडित के चमत्कार का फोड़ दिया भांडा, खुद करके दिखाया बाबा का जादू। जिसने भी देखा सबके होश उड़े, लोग बोले क्या सच में बाबा लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लाखों लोगों को जादुई ट्रिक दिखाकर चमत्कार बताते हैं बागेश्वर वाले पंडित। देखिए पूरी दुनिया के सामने लड़के ने कैसे किया बाबा के जादू का पर्दाफाश। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बागेश्वर धाम बाबा, जो आपने सुने होंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बड़े चर्चा में है और देखिए उन पे बड़े आरोप लग रहे हैं। ये इनका वीडियो है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम और उसके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो आज जान ले। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दोनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। महेंद्र शास्त्री का सुर्खियों में अचानक से आ जाने के कारण उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। बागेश्वर धाम के महंत को लेकर लोगों का दावा है कि वो उनके मन की बात जान लेते हैं। वहीं अब उनके सुर्खियों में आने के बाद तर्क विज्ञान की कसौटी पर बाबा के चमत्कारों को परखा जा रहा है। बाबा करते क्या हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की समस्या को एक पर्चे में लिखकर रख देते हैं और फिर पीड़ित से पूछते हैं कि क्या समस्या है। इसके बाद पीड़ित जो भी समस्या बताते हैं वह बाबा के पर्चे में पहले से ही लिखी होती है। लोग इसे चमत्कार मानते हैं। इतना ही नहीं, खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसे श्री बालाजी महाराज की कृपा बताते हैं, शक्ति बताते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस चमत्कार में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई बाबा के पास कुछ चमत्कार है या फिर सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाते हैं? दरअसल बाबा ये चमत्कार करते कैसे हैं? इसका पूरा राज दुनिया के सामने बताया है माइंड रीडर राम मिश्रा ने। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि बाबा के पास कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, यह बस एक जादुई ट्रिक होती है जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इसकी पूरी जानकारी बताने के लिए माइंड रीडर राम मिश्रा ने पूरी दुनिया के सामने लाइव टीवी शो के दौरान कुछ ऐसा करके दिखाया जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल राम मिश्रा ने शो के दौरान एक शख्स को बुलाया और उनसे दिमाग में कुछ सोचने के लिए कहा। इससे पहले माइंड रीडर राम मिश्रा ने सारी बातें एक कागज में लिख रखी थी, ठीक वैसे ही जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। फिर वह शख्स को बताते हैं कि वह क्या सोच रहे थे। यह जानकर शख्स हैरान रह जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इतना ही नहीं, उस कागज में भी वही लिखा होता है जो वह शख्स पूछना चाहता था। इसके बाद माइंड रीडर राम मिश्रा बताते हैं क्या कोई चमत्कार नहीं होता है, यह बस एक ट्रिक होती है जिसकी मदद से लोगों के मन की बात जान सकते हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यही करते हैं। फर्क बस इतना है कि वह काफी समय से दिन रात यही कार्य करते हैं तो उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है और कुछ नहीं। मतलब कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई चमत्कार नहीं है, बस वह लोगों का दिमाग पढ़ते हैं। जैसे कि